गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयु सिंगार 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर का नाम है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उस चैप्टर के आज हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आज हमारी सेकेंड क्लास है और मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या होता है और उसके बारे में हम सारी जानकारी और फैक्ट्स प्राप्त करेंगे जो आपको अभी तक कंफ्यूजन में रखे हुए हैं कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए भी। तो ये क्या परेशानी है, क्या है ब्लॉक डायग्राम, उसके बारे में हम समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पर, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो ब्लॉक डायग्राम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए चैनल को, जिसका नाम है आयु सिंगार 24/7 क्लासेस में। और ब्लॉक डायग्राम और इसी प्रकार के कंप्यूटर के सभी फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, अभी आप जो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका बिल्कुल आपको जो पिक्चर दी गई है से ली गई है, और ये पिक्चर देख करके आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि कैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। तो इसमें यहाँ पे लिख दिया जी इन्होंने इनपुट डिवाइस, फिर यहाँ पे लिख दिया जी आउटपुट डिवाइस, ये प्रोसेसर हो गया, ये प्रोसेसर के साथ रैम, रोम, क्लॉक, यूएसबी पोर्ट, प्रिंटर, मॉडम, और इसको इन्होंने कंपाइल करके मदरबोर्ड बोल दिया, यहाँ पे हार्ड डिस्क लिख दिया, सीडी ड्राइव, मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे कैलकुलेशन हो रही है, इनपुट कौन कर रहा है, आउटपुट कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अब आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप केवल देखते रहिए। ये आपका ब्लॉक डायग्राम, इसको अगर आप देखते हैं और समझते हैं और एग्जाम में बना के आते हैं तो ये 100% गारंटी है कि आपको इस ब्लॉक डायग्राम पर 100 में से 99 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक नंबर का मार्क्स इसलिए कर सकता है क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आज के समय में इस डायग्राम को पेन से बनाकर आए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में किसी भी कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे स्कूल का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पर सब्जेक्टिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको डायग्राम हमेशा केवल और केवल पेंसिल से ही बनाना है। परंतु आज के समय में मैं देख रहा हूँ 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स पेन से डायग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बिल्कुल नहीं करना है, तो आप अगर पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो अब ब्लॉक डायग्राम को आप यहाँ पे समझते हैं कि काम कैसे करता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले जब आपको हमने फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, अगर आपने में से किसी भी स्टूडेंट ने मेरी फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं कराया तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट क्लास की वीडियो का लिंक आपको दिया गया है, उस पर विजिट करें और मेरी पहले फर्स्ट क्लास को वॉच करें, फर्स्ट क्लास के लेक्चर को समझें, उसके बाद आपको आज की क्लास यानी कि सेकेंड क्लास को देखें, उसके बाद ही आपको ये जो सेकेंड क्लास है यानी कि आपका ब्लॉक डायग्राम वाला जो लेक्चर है ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस को कहते हैं, ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम आपका कैसे काम करता है। फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी कि जो भी व्यक्ति कंप्यूटर यूज कर रहा है वो क्या करेगा, सबसे पहले कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर या लैपटॉप को देगा। किसकी हेल्प से देगा? इनपुट डिवाइस की हेल्प से देगा। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, वैसे तो हम भी इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस आपके होते हैं जिनकी हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो है स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल के आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके किसमें आते हैं, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आपका हो गया, तो इनपुट डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपने उसको इंफॉर्मेशन दी किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन आप जानते हैं कि कहाँ जाएगी, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाएगी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो पार्ट है वो ये बीच मिडल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये मिडल वाला आपका जो पार्ट है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है पूरा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपके तीन पोर्शन हैं, यानी कि सीपीयू आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। जैसे ये इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास जाएगी तो सीपीयू क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, यानी कि उसको समझेगा कि यूजर ने मेरे से क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या सूचना दी है, मेरे को क्या निर्देश दिया गया है, उस निर्देशों को, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को समझने के बाद उसकी कैलकुलेशन करेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट उसको देना है आउटपुट की फॉर्म में वो हमको देगा, जो कि हमें आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें प्राप्त होगा। आउटपुट डिवाइस यानी कि आपका मॉनिटर या लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस आते हैं। आज के समय में हम स्पीकर को भी आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है इस तरीके से वर्क करता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने सीपीयू से जो है क्या अटैच करा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को भी अटैच करा। तो सीपीयू के द्वारा जब आपकी इंफॉर्मेशन को, इनपुट इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर लिया जाता है और आउटपुट उसका यानी कि रिजल्ट उसका जनरेट हो रहा होता है, तो रिजल्ट जनरेट होने के बाद वो पहले सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जाके उस रिजल्ट को सेव करता है, और सेव करने के बाद आपका वो आउटपुट की फॉर्म में आपको आउटपुट की स्क्रीन पर शो करता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच इज आल्सो नोन एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको ये ब्लॉक डायग्राम को इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम का चित्र बनाइए, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये डायग्राम बनाना है, और इसके बारे में अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो इसके बारे में आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ के लिख दीजिए, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए चलते हैं, थैंक यू।